हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मेरे चैनल बी आर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सो टुडेज टॉपिक इज सॉर्टिंग। आज जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं वो हमारा है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या है, क्यों जरूरी है और क्या मेथड्स हैं इसके, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इन सब पर बातें करेंगे। सो फर्स्टली स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग। सो व्हाट इज सॉर्टिंग? So sorting is the arrangement of the data in a prescribed sequence, and the sorting is a method that puts element of a list in a certain order. It may be ascending or descending. So sorting क्या है? Sorting एक arrangement of data है जिसे हम लोग prescribed sequence में arrange करते हैं, चाहे वो order ascending हो या descending हो। And sorting is a method that puts element of list, किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक सर्टेन ऑर्डर में पुट करना या रखना, वो हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। सो इट मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जो ऑर्डर है वो हमारा असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग हो सकता है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में हम अपने लिस्ट ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट जो है उन्हें इस तरीके से यूज में लेते हैं। ओके, सो सॉर्टिंग रिफर्स टू द ऑपरेशन ऑफ अरेंजिंग ए डेटा या सेट ऑफ डेटा इन अ गिवन ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर मोस्टली। तो बेसिकली ज्यादातर हम लोग जब इसका यूज करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी सेट ऑफ डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने को ही हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। तो यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। एक हमारे पास है अनसॉर्टेड लिस्ट और एक है सॉर्टेड लिस्ट। अनसॉर्टेड लिस्ट में देखिए आप वैल्यूज 30, 10, 45, 35, 20, 80, 15, 85, तो यहां पर कोई भी डेटा अरेंज नहीं है। कभी कोई वैल्यू है, कभी कोई वैल्यू, तो बड़ी छोटी किसी तरह से है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन अब अगर आप यही सॉर्टेड लिस्ट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 10, देन उसके बाद उसकी बड़ी वैल्यू 15, 20, 30, 35, 45, 80 एंड 85। तो यहां पर जो वैल्यूज हैं वो एक अरेंज करके रखी गई हैं एक असेंडिंग ऑर्डर में, भरते हुए क्रम में। तो इसीलिए हम लोग इस तरह के जो जो ऑपरेशन है इसे हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। तो हम उसे प्रॉपरली अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो हम इसे सॉर्टिंग को प्रॉपरली अरेंजिंग ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन गिवन ऑर्डर यूज करते हैं। ठीक है, सो व्हाई स्टडी सॉर्टिंग? सॉर्टिंग क्यों हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि व्हेन एन इनपुट और लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर सॉर्टेड देन मेनी प्रॉब्लम बिकम इजी। देखिए अगर हमारे पास ये सॉर्टेड है पहले से ही एलिमेंट्स, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं प्रॉब्लम्स का यूज करता हूँ, ज्यादातर अगर सॉर्टेड एरे का यूज करता हूँ तो उससे प्रॉब्लम मेरी इजी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग सर्चिंग यूज कर रहे हैं, जैसे बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च में अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो मेरी प्रॉपर सर्चिंग नहीं होगी। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम वैल्यू तभी फाइंड कर सकता हूं मैं बहुत इजीली और बहुत फास्ट, जब मेरे पास सॉर्टेड एरे हो। ऐसे ही मैक्सिमम, मैक्सिमम के केस में भी मैक्सिमम वैल्यू तभी फाइंड होगी जब मेरे पास सॉर्टेड एरे हो। तो इस तरीके से अगर मेरे पास सॉर्टेड होता है तो मैं उसका इजीली और जल्दी से फाइंड कर सकता हूं अपनी प्रॉब्लम को। ओके, इसलिए हम लोग इस सॉर्टिंग को यहां पर यूज में लेते हैं। एंड द नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सॉर्टिंग। तो वो क्या क्या मेथड्स हैं जो सॉर्टिंग के हैं? तो मेरे पास कई सारे मेथड्स हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, बकेट सॉर्ट। तो मेरे पास करीब मैंने यहाँ पे 9 आपको सॉर्टिंग के मेथड्स दिखाए हैं जिनपे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम एक एक सॉर्टिंग को यूज में लेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरे पास ये 9 मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैं सॉर्टिंग को सॉल्व कर सकता हूं। तो ये सारे 9 मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैं सॉर्टिंग करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।